उठ गया तू? वो क्या है ना दीदी, कल रात को मैंने ना दो बोतल भर के ना दूध पिया, तो वो है ना सुबह सुबह ना मेरा सर दुख रहा, अभी हैंगओवर हो गया मुझे, अभी मैं ना मेरी गाड़ी निकल के जा रहा मैं अभी घूमने के लिए। आज मैं ना बालकनी में ही रेडी हो रही हूँ क्योंकि घर में लाइट ही नहीं है। हमेशा का है यार, लाइट का लाइट ही जाती रहती है, बिना मिरर का रेडी होना पड़ रहा है। दीदी तुझे ना रेडी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू है ना बिना रेडी हुए ना एकदम ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। वो देखो वो जा रहा मोटा हाथी मकड़ी के जाल में फंसने के लिए, पगला कहीं का। तो मेरे को है ना चिकू के गाड़ी में बैठना है। चिकू हट, मैं तेरी गाड़ी में बैठती हूँ, मेरे को गाड़ी चलानी है, हट जा। बैठो। लगता है ये दीदी है ना आज मेरी गाड़ी तोड़ के ही रहेगी। आज की पूजा अभी दादाजी ने रखी, बोले तेरी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, तो हाँ। पंडित जी बोले कि ये बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ और नहीं क्या बात बात पे ऐसा गुस्सा होना, ऐसा उसको गुस्सा होती। हाँ, बहुत चिड़चिड़ करती है, चिल्लाना बात बात पे, हाँ, पैर पटक के ऐसा चले जाना, ये सब इसलिए है ना अभी हवन होगा, पूजा होंगी, उसके बाद में 3 घंटे के लिए ना पाठ करने का, हफ्ते में 1 दिन 3 घंटे के लिए। हाँ, इससे तेरे ना मन को ऐसे शांति लगेगी। और अगर नहीं किया तो फिर दादाजी और तू। मैं नहीं करती ना मम्मी गुस्सा, आप तो कुछ बोलो ना, ऐसे थोड़ी होता है मम्मी। गुस्सा नहीं करती पर कभी कभी होता है। 3 घंटे रोज पाठ, शांति पाठ, शांति पाठ वैसे भी तो याद करती है। चलो ठीक है, कर लूंगी मैं शांति पाठ, नहीं तो दादाजी बहुत चिल्लाएंगे मुझे। चलो अभी नीचे ये लो, ये फ्रंट डोर पे बांधना है, वो सुई निकालो उसकी। पूजा जो है वो अभी स्टार्ट हो गई है। ओम अवित्र पवित्र सर्वावसान कविवाम। जैसे तुम कोई अच्छा काम करने लगेगा तो तुम्हारी चाह करें, देव तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे थोड़े से गुस्सा में और तुम्हें पूरे भारत में घुमा दिया। इसलिए काव्या जी आप बहुत धन्यवाद हैं, हम आपकी पूजा बहुत बहुत मन से करें। तो मेरा आज का जो पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया। अभी है ना पापा की पूजा है, पापा वो पूजा कर रहे हैं और कल पापा है ना छोटी छोटी कन्याओं को है ना अपने हाथों से खाना भी खिलाने वाले हैं। तो कल है ना बहुत बहुत अच्छा दिन है बताया था कि कल है हमारे घर पे कन्या भोजन, तो मम्मी को है ना कुछ सामान लेने और मुझे है ना सारी लड़कियों के लिए छोटी छोटी कन्याओं के लिए ना चॉकलेट्स वगैरह लेने हैं, तो हम उसी के लिए आए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पापा का। मम्मी ने अब भी मुझे बताया कि पापा भी आने वाले हैं। मम्मी कितना टाइम लगेगा पापा को? चलो आ गए पापा। मम्मी और क्या लेना बताओ, मैं भी लेती हूँ। चॉकलेट कौन सी लेना है? कैडबरी वाला। कौन सी चॉकलेट? डेयरी मिल्क के लिए, सबको लड़कियों को बांटने के लिए। ठीक है।
चलो मैं चॉकलेट्स लेती हूँ, मेरा फेवरेट काम करता है, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सारी लड़कियों को है ना डेयरी मिल्क ही पसंद आती है। कितने डेयरी मिल्क लेनी चाहिए? बहुत सारी लेके लगती हूँ लड़कियों के लिए। इतने दिखाती हूँ पहले पापा को, इतने बस होंगे क्या? पापा और लू ना। कितने लिए ये? अब गिने नहीं मैंने। और ले ले 20। देखो मैंने और 20 चॉकलेट्स ले लिए, क्योंकि यार ज्यादा लेनी चाहिए ना। आपके बहुत फैन हूं। थैंक यू सो मच आंटी। क्या ले रहे हो पापा? क्या ये पिस्ता खा लिया आपने? अंकल की सारी तैयारियां हो गई, अभी हम लोग घर पर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो पापा? मैं बाहर जा रहा हूँ, जाओ तुम। कन्या भोजन और है ना सब लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। नीचे नानी गई है, ये देखो, ये रही नानी। देखो नानी ने ना ऑलरेडी ये जो पीला पानी होता है ना ये मार दिया, अभी बस है ना मैं रंगोली डाल देती हूँ। देखो मैं हमेशा की तरह फूल पत्ते निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे दूसरी रंगोली नहीं आती है बनाने। देखो हो गई मेरी रंगोली, बस मैंने एक फूल निकाला है, पत्ते वत्ते कुछ नहीं निकाले इस बार मैंने। जूली आ गई मैं ना आके। पहले तो मैंने सोचा था कि आज मैं ना साड़ी पहनूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार साड़ी है ना मुझसे संभाली नहीं जाती, और मुझे है ना सब लड़कियों को है ना खाना भी तो खिलाना है, तो साड़ी से कैसे खिला पाऊंगी, और मुझे है ना साड़ी हैंडल भी नहीं होती है। किस किस के साथ ऐसा होता है बताओ गर्ल्स? तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो अपना ये वाइट वाला परी वाला ड्रेस है ना यही पहनूँ, ये मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो बताओ कैसा लग रहा है ये वाला ड्रेस? जैसे कि मम्मी ने बताया कि आज मम्मी मटर पनीर बनाने वाली है, पूरी बनाने वाली है, खीर बनाने वाली है, और बहुत सारी मिठाई भी बनाने वाली है, दाल चावल सब कुछ बनाने वाली है। देखो मम्मी ने काम स्टार्ट भी कर दिया। मम्मी कैसे लग रही है वाला वाइट ड्रेस? अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था साड़ी पहनूं, लेकिन जाने तो साड़ी कैंसिल कर दिया। चीकू आया तो नहा के दादा? हाँ दादा जी कपड़े तो। हाँ आप सब है ना एक साथ किचन में चलो, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। ये देखो खाना कौन बना रहा है? पापा सारा खाना आप बनाने वाले हो? हाँ बना सकता हूँ। मम्मी मस्त है, फिर तो पापा खाना बनाने वाले हैं। मैं बस है ना देखने के लिए खड़ी हूँ कि पापा कैसे खाना बनाते हैं। अपने घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता? पापा। हाँ अपने घर में सबसे अच्छा इंसान कौन है? वाह। अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा प्यार तेरे से कौन करता? हाँ। अपने घर के अंदर तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता? हाँ। वाह बच्चे ऐसे ही चापलूस बने रहना सारी जिंदगी तो तू खुश रहेगा पापा की तरफ से, ठीक है? क्या हुआ? अब तू जोर जोर से बोल और तेरे माँ को चिल्ला के बुला। मिक्सर खराब है तो उसमें मैं क्या करूं फिर? कितना वो गरम उड़ा मेरे ऊपर। पोछना हो क्या उसको दिखाने के लिए रखा? पोछो वो पोछ। दिखाने दो ना थोड़ा सा, देख लेगी वैसे मम्मी वीडियो में। देखा पापा का खाना बनाना ऐसे डेंजरस होता है, लेकिन खाना टेस्टी भी तो बनता। हां टेस्टी भी बनता है। मम्मी आपको पता है पापा ने क्या किया? क्या किया? वो ये जो टमाटर प्यूरी है मैं पूरे फ्रिज पे गिरा दी थी। वैसे ही करते हो आप हमेशा। वो तो पापा ने मेरे को पोछने के लिए बोला इसलिए मैंने पोछ लिया। तूने क्यों पूछा? पोछा वैसे वो आप वीडियो में देख लेना अभी कितना गिराया था पापा ने। ये देखो यहाँ पे भी नीचे सब गिराया। ऐसे थोड़ी खाना बनाया जाता है, अच्छे से खाना बनाया जाता है। तो तू क्यों नहीं बना रही? बना ना आके। तो आज है ना मटर पनीर की सब्जी बनने वाली है, और सब्जी पापा ही बनाने वाले हैं। पनीर के जो छोटे छोटे पीसेस है ना वो कट करके रख दिए, पापा ने ग्रेवी भी बना ली, सब कुछ हो गया, बस अब इसको तड़का लगाना है। आज ऐसे जबरदस्त पनीर की सब्जी बनाऊंगा कि ना सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाह क्या बात है पापा, वैसे भी पापा खाना अच्छा बना लेते हैं। चलो तो अभी पापा बना रहे हैं मसाला। देखो मसाले में पापा क्या क्या लिए हैं।
कभी कभी जिंदगी में तूने ऐसा इतना अच्छा खाना बनाया क्या? नहीं बनाया, इसलिए सबसे ज्यादा की। बच्चों को खिलाएंगे मस्त देसी घी। वाह, पापा ने ना बहुत मस्त मटर पनीर की सब्जी बनाई है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। काश यार मैं टेस्ट कर पाती, क्योंकि क्या है जब है ना सारी छोटी छोटी कन्याएं खाना खाएगी ना उसके बाद ही मैं खाना। तू टेस्ट कर सकती क्योंकि तू भी कन्या ही है, ठीक है? तेरा कोई नहीं को ऐसा कुछ नहीं होता, चल कर दो, तू कन्या है। सिर्फ हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम सबका खाना होने के बाद ही खाना खाएंगे। बहुत टेस्टी बनी है पापा। मम्मी बहुत मस्त बनाई है पापा ने सब्जी। चलो तो अभी खाना वगैरह सब पापा ने बना लिया है, अभी है ना मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। तो आज मैं ना जो एंजल वाले वीडियो में लुक किया था ना वही सेम लुक करूंगी। बहुत सारी छोटी छोटी लड़की आई है शायद घर के सामने। कहाँ पे हो? हाय, हेलो, आओ ना इधर से, आओ ना। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बुला के लेके आओ ना, छोटी छोटी लड़कियों को। हो गए ना तुम्हारे फ्रेंड्स? हाँ, उनको मैंने बोला है कि तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी जान पहचान की लड़कियां है ना सबको बुला के लेके आओ। दीदी मैं तो अभी सो रहा था लेकिन मैंने ना बहुत सारे लड़कियों की आवाज सुनी। किधर है लड़कियां? वो किधर है? मुझे भी देखने के वो लड़कियों को। पापा आप अभी तक रेडी नहीं हुए, आओ इधर चलो पहले रेडी। चलो चलो वो बनता रहेगा, आप रेडी हो जाओ पहले। पापा रुको एक मिनट, इधर बैठो बैठो। क्यों? कंघी देखिए और वैसे ही जा रहे पापा, देखो पापा का। चलो डन पापा, हो गया। अब देखो अब लग रहे हैं ना पापा एकदम हीरो। आजो 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 आजो, धीरे से आराम से आराम से आओ। सारी लड़कियों आओ। चल अब आजा, तू आजा, मैं तू तो देवी है ना, तू भी कन्या ही है ना। पापा देखो सब लड़कियां बोल रही है।
सब लड़कियां ना खाना खा रही और है ना हम जेंटस लोग है ना भूखे हैं, हमको भी खाना खाने का है। तो कल मैं जब सुपरमार्केट गई थी ना तो मैंने स्पेशली लड़कियों के लिए ये डेयरी मिल्क कैडबरी लाई है, देखो कितनी सारी है, सभी लड़कियों को देंगे हम। तो सारी छोटी छोटी करने अभी वापस जा रही है, अच्छा लगा ना खाना? Yeah. अच्छा लगा, ऐसे करो फिर। देखो और बहुत सारी लड़कियां आ गई। पापा पैर धुलाने हो इनके। बहुत सुंदर लग रहे हो सब। चप्पल देखो जानवी है ना आते के साथ शुरू हो गए, और ये भी देखो बूमरैंग ये वो सब निकाल रहे, दिखाइए बूमरैंग दिखाइए। बताओ खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। तो गैस करो किसने बनाया होगा? मम्मी पापा ने बनाया। आप बताओ आप कैसा बना था? एक किच नंबर। तो सभी कन्याओं का खाना हो गया, सिर्फ मेरी कन्या का खाना बाकी है। चलो मेरी कन्या बस हाइट में ही बड़ी हो रही, बाकी अभी भी वो वैसे ही 12 साल की है। अभी कन्या भोजन कराएंगे तेरा। मेरा? हाँ बैठ। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज का फंक्शन एकदम अच्छे से और एकदम धूमधाम से हो गया, सारी लड़कियों को खाना खिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कल है दशहरा, और दशहरा भी है ना हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे, और हाँ हम है ना रावण दहन भी करने वाले हैं। तो आप सब लोग क्या बोलते हो, मैं राम बनूं या फिर कृष्णा को राम बनाऊं? बताओ जल्दी से कमेंट में, और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।